काम चल रहा हूँ। हेलो 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 गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स,
शिवम दीक्षित गुड मॉर्निंग। शिवम आवाज़ आ रही है? शिवम आवाज़ आ रही है? नेहा गुड मॉर्निंग। शिवम गुड मॉर्निंग। नेहा वेरी गुड मॉर्निंग। शिवम आवाज़ आ रही है? अभिषेक यादव वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग शिवम दीक्षित। आवाज़ आ रही है बेटा? बढ़िया से आवाज़ सही आ रही है कि नहीं आ रही है बताओ। आशुतोष प्रजापति गुड मॉर्निंग। शिवम शिवम नेहा अभिषेक आशुतोष सारे लोग बेटा एक बात बताओ। हाँ नेहा कैसी आवाज़ आ रही है? एकदम बढ़िया कि कोई दिक्कत है बताओ बेटा जल्दी से। एकदम क्लियर है आवाज़? स्क्रीन एकदम विजुअल है या नहीं है बोलो बेटा। स्क्रीन एकदम विजुअल है या नहीं है? नेहा आशुतोष ठीक है डन। चलिए तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है बेटा आज का रिवीजन टॉपिक है। हमने आपको बोला था कि दो दिन के अंदर हम प्लांट फिजियोलॉजी करा देंगे और उसी क्रम में हमारा पहला चैप्टर शिवम सर ने कराया था पिछले टर्म पे फोटोसिंथेसिस है ना। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स एम आई राइट? बोलो शिवम नेहा आशुतोष बोलो बेटा। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट करा दिया था सर ने है ना डन ठीक। तो उसके बाद क्लास नहीं हो पाई थी किन्हीं कारणों से ठीक है। तो अब बेटा इसके बाद आज जो है मैं अभी मिनरल न्यूट्रिशन करा रहा हूँ ठीक है। उसके बाद शिवम सर ट्रांसपोर्ट करा देंगे ठीक है। तो तीन चैप्टर हो जाएंगे फिर उसके बाद आपका बचता है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बचेगा और रेस्पायरेशन बचेगा। तो वो चैप्टर्स हम लोग करा देंगे। कोशिश रहेगी अभी आपका 2 बजे तक लगभग 2 चैप्टर करा दिए जाएँ ऐसी हमारी कोशिश रहेगी और फिर देखते हैं क्या होता है ना। तो अभी का जो हमारा टॉपिक है वो है मिनरल न्यूट्रिशन और सारे बच्चा लोग जो है लिंक को शेयर कर दें जल्दी से। सारे बच्चों को शेयर कर दें जल्दी से अगर हो सके ठीक है सर। जल्दी से लिंक को शेयर कर दें और वेरी वॉर्म वेलकम टू हॉट एंड शॉर्ट इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजी फॉर नीट। और एक इन्फॉर्मेशन भी देनी थी हमारे न्यू बैचेस फॉर 2020 है ना। एक तो आपका फाउंडेशन 11th फाउंडेशन 12th जो है वो स्टार्ट हो गया है और हमारा जो नीट 2020 वाला बैच है वो भी स्टार्ट हो गया। ये जो हमारा बैच है वो हमारा रिवीजन बैच चल रहा है ठीक है। जो हमारे प्यारे बच्चे जो प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर से जो बच्चे हैं हमारे जो अब नीट 2020-21 देने वाले हैं उनके लिए हम ये आज टॉपिक मिनरल न्यूट्रिशन उनका रिवाइज कराने की कोशिश करेंगे। तो सारे बच्चे लोग क्या करते हैं अपनी एनसीईआरटी विवेकानंद वर्मा ओके बेटा गुड मॉर्निंग विवेकानंद बेटा वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। एक मिनट जस्ट अ मिनट मैं थोड़ा सा एक मिनट वेट करना आप लोग। तो हाँ जल्दी से काम करो सारे लोग जल्दी से एक काम करो इसको सारे लोग शेयर कर दो जल्दी से है ना। वीडियो को जल्दी से शेयर कर दो बेटा है ना। कोशिश करो शिवम एक नंबर है ओके। शिवम भाई शिवम तबीयत कैसी है अब तुम्हारी? शिवम दीक्षित अब तबीयत कैसी है आपकी सर? शिवम हाउज यू फीलिंग? शिवम अब तुम्हारी तबीयत कैसी है बेटा बोलो। शिवम भैया अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? शिवम नाउ फिट ठीक है। चलो एक बार सारे लोग जितने लोग क्लास में हैं वो सारे लोग मुझे मैसेज करें अपना नाम लिख के भेजें तो जो लोग मैं देखता हूँ कौन कौन है क्लास में ठीक है। जल्दी से जो लोग भी क्लास में हैं एक मिनट जस्ट अ मिनट ठीक है।
चले ठीक है, डन ठीक। अल्तमस भाई गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग अल्तमस। अल्तमस बच्चा वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ ठीक है, तो अभी क्लास में है, अभी क्लास में है नेहा है, अल्तमस है, आशुतोष प्रजापति है, विवेकानंद वर्मा जी हैं, शिवम दीक्षित जी हैं, ठीक है सर, बहुत सारे बच्चे हैं। चलिए तो अपन लोग अब आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और आज का जो हमारा टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक नेम है मिनरल न्यूट्रिशन। ठीक है, आज का जो टॉपिक है हमारा, टॉपिक नेम क्या है बेटा, टॉपिक नेम है हमारा, एक मिनट, जस्ट मिनट, चलो देखो तो बेटा, हाँ तो मिनरल न्यूट्रिशन, तो यहाँ पर इस चैप्टर को जो मिनरल न्यूट्रिशन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ी सी भूमिका पहले आपकी एनसीईआरटी बनाती है, थोड़ी सी भूमिका इस चैप्टर में यहाँ पर ही बना रही है एनसीईआरटी, ध्यान से देखिएगा। हाँ क्या कह रहा है, द बेसिक नीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर एसेंशियल फॉर द सेम, कह रहा है कि इस दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ध्यान से सुनेगा, कह रहा है इस दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बेसिक नीड सबकी क्या है, सेम है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबकी बेसिक नीड सबकी क्या है, सेम है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम हो उसकी बेसिक नीड क्या होती है बेटा, सबकी बेसिक नीड्स सेम है ना। वो चाहे मोनेरा हो, वो चाहे प्रोटिस्टा हो, वो फंजाई हो, प्लांटी हो, एनिमलिया हो, ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बेसिक नीड क्या है, सेम है। बेसिक नीड कह रहा है कि बेसिक नीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एसेंशियली द सेम, दे रिक्वायर द मैक्रोमोलिक्यूल, हर एक ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए, मैक्रोमोलिक्यूल चाहिए। मैक्रोमोलिक्यूल्स का मतलब क्या है, यहाँ पर बायोमोलिक्यूल में आपने पढ़ा है, मैक्रोमोलिक्यूल में जैसे आपका क्या है, प्रोटीन है आपका, है ना, प्रोटीन आता है, पॉलीसेक्राइड्स आते हैं आपके, है ना, न्यूक्लिक एसिड है ना, ये सारे आपके किस में आते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स में। मैक्रोमोलिक्यूल सच एज द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, है ना, और इसके साथ साथ मैक्रोमोलिक्यूल के साथ साथ, ध्यान से सुनेगा, मैक्रोमोलिक्यूल के साथ साथ हमारा जो मैक्रोमोलिक्यूल है, मैक्रोमोलिक्यूल के साथ साथ क्या होता है बेटा, हमारा कुछ और चीज़ें हमें चाहिए, वो क्या है, जैसे वाटर है, क्या है, वाटर है, और इसके साथ साथ क्या है, मिनरल्स हैं, क्या, और ये किस लिए चाहिए, मैक्रोमोलिक्यूल, वाटर और मिनरल्स हमें किस चीज के लिए चाहिए, इनकी क्या रिक्वायरमेंट है, इनकी रिक्वायरमेंट है बेटा हमारी ग्रोथ के लिए और हमारे डेवलपमेंट के लिए। ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म आप सब लोगों ने सुना ही होगा ना, चित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व यह बना शरीरा, इसी बात को इस चैप्टर में यहाँ पर प्रूव करने वाले हैं कि हम लोग बोलते हैं ना मिट्टी से मिले हैं, मिट्टी में मिल जाएंगे, है ना, तो हम जिस चीज़ से बने हैं उसी चीज़ में मिल जाएंगे। तो बोला बेसिक नीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एसेंशियल फॉर द सेम, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक नीड्स क्या है, सेम है। कह रहा है इसमें, लेकिन यहाँ पर ना हम मैक्रोमोलिक्यूल के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब ना ही हम यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करने जा रहे हैं, ना प्रोटीन के बारे में, ना फैट्स के बारे में, ना वाटर के बारे में। हमारा नाम इस चैप्टर का क्या है, मिनरल न्यूट्रिशन, द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन। ठीक है, तो यहाँ पर यह बताने की कोशिश हो रही है कि बेटा जो मिनरल न्यूट्रिशन है, ध्यान से सुनेगा, यहाँ पर क्या बात हो रही है, यहाँ पर यह बात हो रही है बेटा, ध्यान से सुनेगा, यहाँ पर बात हो रही है सानू खान, रेस, अल्तमस, अश्विनी यादव, गुड मॉर्निंग बेटा, विवेकानंद बेटा, हाँ ध्यान से सुनेगा बेटा, सारे लोग ध्यान से मेरी बात को सुनेगा, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ बेटा आपसे कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक एसेंशियल नीड होती है, और वो एसेंशियल नीड सबकी सेम है, लगभग सबको कार्बोहाइड्रेट चाहिए, सबको प्रोटीन चाहिए, सबको फैट चाहिए, सबको वाटर चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए, लेकिन और ये किस चीज़ के लिए चाहिए, ग्रोथ के लिए चाहिए, डेवलपमेंट के लिए चाहिए। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली किसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, उन कंपोनेंट्स के बारे में मेनली फोकस कर रहे हैं जो इनऑर्गेनिक है, ऑन द इनऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिएंट्स, किसके ऊपर बात कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिएंट्स के ऊपर। देखो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबकी बेसिक नीड्स सेम है, तो इनऑर्गेनिक जो न्यूट्रिएंट्स हैं प्लांट की बात करें, क्योंकि प्लांट फिजियोलॉजी का चैप्टर है, तो ओवरऑल प्लांट के बारे में बात की गई है, यहाँ पर ह्यूमन के बारे में बात नहीं की जा रही, प्लांट के बारे में। तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक नीड्स सेम है, पहले ही बता दिया, तो हमको भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस चाहिए, लेकिन हम यहाँ पर किसके बारे में बात करने जा रहे हैं, प्लांट के बारे में। इनऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिएंट वेयर इन द यू विल स्टडी द मेथड ऑफ आइडेंटिफाई द एलिमेंट एसेंशियल फॉर द
ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट। तो बेसिकली हमें यहां पर उन एलिमेंट्स, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स के बारे में बात करनी है जो प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। किसके? प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है उनकी यहां पर हम बात करने जा रहे हैं। कह रहा है कि सर्टन क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी स्टेबलाइजिंग एसेंशियलिटी, और यहां पर हम क्या स्टेबलाइज करेंगे? पहली चीज कि वो कौन कौन से एलिमेंट है जो प्लांट को ग्रोथ के लिए चाहिए, पहली चीज जो हमें यहां पर पढ़नी है। दूसरी चीज हमें क्या पढ़नी है कि एसेंशियल कौन है, नॉन एसेंशियल कौन, क्योंकि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में 105 है अकॉर्डिंग, हालांकि और भी नए खोज लिए गए हैं मेंडेलीव की आवर्त सारणी में, है ना, हमला शायद 119 हो गए हैं ना सर, लेकिन यहां पर आपकी एनसीईआरटी इस चैप्टर में बता रही कि हमें जो इनऑर्गेनिक मेटल्स पता है, जो हमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंस पता है वो कितने पता है, 105, और उन 105 में से कौन सा एलिमेंट प्लांट को ज्यादा चाहिए और कौन सा एलिमेंट कम चाहिए, जिसे बोलते हैं ना हम इसके बगैर नहीं सह सकते हैं, एसेंशियल क्या है हमारे लिए, माँ बाप एसेंशियल हैं, है ना। तो वैसे ही बेटा आपकी जिंदगी में क्या एसेंशियल है जिसके बगैर आप रह नहीं सकते, ना ना रह पाएंगे, जी नहीं पाएंगे आपके बिना, है ना। तो वही चीज यहां पर है कि किनके बिना आप जी नहीं सकते, ध्यान से सुनेगा, किनके बिना आप जी नहीं सकते उसकी बात यहां पर कर रहा है बेटा, कि प्लांट के लिए वो कौन से एलिमेंट है जो एसेंशियल है। तो एसेंशियलिटी का क्राइटेरिया क्या है, अपना अलग अलग क्राइटेरिया, कुछ बच्चे होते हैं जिनके लिए एनसीईआरटी एसेंशियल है, नीट एसेंशियल है, किसी के लिए घूमना एसेंशियल है, किसी के लिए और कोई काम एसेंशियल है, सबकी एसेंशियलिटी अलग अलग है। तो प्लांट के लिए कौन से एलिमेंट हैं जो एसेंशियल हैं, जिसके बगैर काम का प्लांट का काम नहीं चल सकता, जिसके बगैर प्लांट का काम नहीं चल सकता वो कौन से एलिमेंट हैं, ध्यान से सुनेगा, ध्यान सुनेगा, वो कौन से एलिमेंट है जिसके बगैर प्लांट का काम नहीं चल सकता, ध्यान से सुनेगा, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके साथ यू विल स्टडी द रोल ऑफ एसेंशियल एलिमेंट, और नेक्स्ट चीज जो हम यहां पर पढ़ेंगे वो बता रहा है कि हम रोल ऑफ एसेंशियल एलिमेंट क्या है, ये यहां पर पढ़ेंगे, ये हमें यहां पर पढ़ना है। इसके साथ साथ मेजर डिफिकल्टी, अब एक बात है ना, जब किसी की कमी हो जाती है दुनिया में, है ना, जिस जैसे तुम किसी चीज को बहुत प्यार करते हो और वो उस दुनिया में ना रहे, तो बेटा फिर उसकी वजह से जो आपकी जिंदगी में उथल फुथल मचती है, है ना, तो वो आपकी डिफिशियंसी है ना, कहते ना ये बहुत बड़ा गैप है, ये इसे कोई फिल नहीं कर सकता, है ना। तो वही चीज है कि अगर वो एलिमेंट प्लांट को नहीं मिल रहा है तो उसकी वजह से, उसकी वजह से हमारी बॉडी में आयरन कंपोनेंट है, आयरन की कमी हो जाएगी, डिफिशियंसी हो जाएगी, अगर आप में आयरन की कमी हो जाएगी तो आपके हीमोग्लोबिन, आपकी बॉडी में जो ब्लड है, ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, इसके वजह से एनीमिया हो जाएगा, और एनीमिया होने की वजह से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, CO2 ट्रांसपोर्ट प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, इसकी वजह से आपकी हेल्थ गिरती है ना, एनीमिया। ऐसे ही बेटा यहां पर पढ़ेंगे प्लांट में आयरन की कमी हो जाए तो क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम की कमी हो जाएगी, क्या होगा, इसके बारे में यहां पर पढ़ना है। एंड मेजर डिफिशियंसी सिम्टम, देखो हम सबके बारे में बात नहीं करेंगे, हम मेजर, जैसे नहीं हम डिजीज के बारे में बात करते हैं तो हम एड्स के बारे में बात करते हैं, हम कोरोना के बारे में बात करते हैं, जुकाम भी एक डिजीज है, उसके बारे में डिस्कस कम कर रहे हैं, है ना, कोरोना के बारे में ज्यादा डिस्कस करें, वैसे करें कि मेजर जो डिफिशियंसी सिम्टम है प्लांट में उनके बारे में बात करेंगे। एंड मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ दीज एसेंशियल एलिमेंट, अब बात आती है कि ये जो एलिमेंट है वो प्लांट लेता लाता कहां से, है ना, जैसे हम ये एलिमेंट कहां से लेते हैं, फूड से लेते हैं, और बेटा प्लांट कहां से लाता है, सॉयल से लाता है। अब सॉयल से कैसे, हमने तो उठा करके मुंह में रख लिया, प्लांट कैसे इन एलिमेंट को एब्जॉर्ब करता है, कैसे पूरे प्लांट की बॉडी में ट्रांसपोर्ट करते हैं, बेसिकली तो इस बारे में शिवम सर आपको ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट में इस क्लास के बाद आपको डिस्कस करेंगे, ठीक है, लेकिन यहां पर बेसिकली बात करेंगे कि ये एलिमेंट्स प्लांट को कहां से मिलते हैं। द चैप्टर ऑल्सो इंट्रोड्यूस द बाय द ब्रीफली सिग्निफिकेंस ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, और यहां पर बेसिकली हम ये बताएंगे नाइट्रोजन जो इस दुनिया में हमारी हवा में सबसे ज्यादा पाया जाता है वो एलिमेंट जो हमारा नाइट्रोजन, जिसके बगैर हमारा किसी एलिमेंट्स का काम चलने ही वाला नहीं है, एसेंशियल एलिमेंट में आता है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो नाइट्रोजन के बगैर काम चलना ही नहीं, क्यों, है कि नहीं, प्रोटीन बनेगा तो नाइट्रोजन चाहिए, डीएनए चाहिए तो नाइट्रोजन चाहिए, है ना, आरएनए बनेगा तो नाइट्रोजन चाहिए, क्योंकि बायोमॉलिक्यूल में हमने आपको पढ़ा है प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर्स बताएं, तो नाइट्रोजनस बेसिस के बगैर तुम्हारा डीएनए और आरएनए नहीं बन सकता, तो बिना नाइट्रोजन के बेटा डीएनए आरएनए नहीं बन सकता, है ना, इसी वजह से बेटा ये नाइट्रोजन कहां से आता है, एयर में होता है, और एयर से सॉइल में कैसे आता है, हमारी सॉइल में नाइट्रोजन कंटेंट जो प्लांट सॉइल से लेता है, सॉइल में वो कैसे आता है, इस नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में यहां पर अपन लोग बात करेंगे, ठीक है। ये तो बात हो गई यहां पर कि हमारा जो इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है, व्हाट वी स्टडी इन दिस चैप्टर, हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसके बारे में अपन लोगों ने यहां पर बात कर ली। अब मेरी बात सुनेगा, अब बात कर रहा है मेथड ऑफ स्टडी ऑफ मिनरल रिक्वायरमेंट इन द प्लांट, अब मेरी बात सुनो, प्लांट सॉइल से लेता है एलिमेंट्स को, प्लांट सॉइल से एलिमेंट को लेता है, तो अब हम कैसे पता करें कि कौन सा एलिमेंट प्लांट में क्या करता है, ध्यान से सुनिएगा, कौन सा एलिमेंट प्लांट में कौन सा काम करता है, है ना, और किस एलिमेंट की कमी से कौन सी डिफिशियंसी होगी, किसके बढ़ने से टॉक्सिसिटी होगी। देखो कोई भी एलिमेंट हो अगर ज्यादा हो जाएगा, जैसे तुम ज्यादा खाना खा लो तो भी दिक्कत है, कम खाना खाओ तो भी दिक्कत है ना, दोनों कंडीशंस में, है ना, ज्यादा खाओगे बदहजमी हो जाएगी, कम खाओगे तो डिफिशियंसी हो जाएगी,
आप समझ रहे हो ना भैया, तो वही चीज है बेटा यहां पर। तो बेटा ये हम कैसे पता करें, ये हम कैसे पता करें कि कौन सा एलिमेंट प्लांट में कौन सा काम करता है ना। तो ये सारे एलिमेंट प्लांट सॉइल से ले रहा है, ये तो हमको पता है, लगभग लगभग सारे कहां से ले रहा है, सॉइल से ले रहा है। तो बेटा ये जो एलिमेंट है इनकी ये टेक्निक एक खोजी थी, नाम है यहां पर जूलियन वॉन सैक, गोला मार लो इनको। ये साइंटिस्ट हैं, इन्होंने एक टेक्निक खोजी थी 1860 में, जूलियन वॉन सैक साहब ने, जो एक जर्मनी के बॉटनिस्ट हैं। कहां के बॉटनिस्ट हैं, एक जर्मन बॉटनिस्ट हैं, ये जर्मन बॉटनिस्ट हैं। इन्होंने एक टेक्निक खोजी थी, इन्होंने प्लांट को सॉइल की बजाय प्लांट को वाटर में ग्रो कराया। किस में ग्रो कराया, वाटर में। और उस टेक्निक को कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स, उस टेक्निक को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोपोनिक्स। इस पेज से जो काम की बात आपकी मिलती वही यही मिलती है, चार नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक किसने खोजी थी, उनका नाम क्या था, वो कहां के रहने वाले थे, ये सारे डाटा यहां पर दिए गए हैं, कब दिया था इन्होंने। तो ये यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, इसे अंडरलाइन कर लीजिए, इसे देख लीजिए, समझ लीजिए, याद कर लीजिए, जैसा भी लगे। हाँ सर, हैप्पी बर्थडे। अच्छा, अभिषेक यादव थैंक यू सो मच, सानू थैंक यू सो मच, वेरी वेरी थैंक यू सो मच बेटा, है ना, थैंक यू फॉर माई बर्थडे विशेस, ओके थैंक यू सो मच। अब मेरी बात सुनो बेटा। तो बेटा जूलियन वॉन सैक जो हमारे जर्मन बॉटनिस्ट है, इन्होंने हाइड्रोपोनिक्स दी थी। और हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है, प्लांट ग्रो इन द बी मैच्योरिटी इन द डेफिनेट न्यूट्रिटिव सॉल्यूशन, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में ग्रो कराना, यानी कि प्लांट को विदाउट सॉइल ग्रो कराना, इसे हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। इसके बाद यहां पर कहानी है, उस कहानी को आप पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर क्या बताया गया, इसके लिए अब जैसे उन्होंने प्लांट पानी लिया, अब हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक क्या कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे इन्होंने क्या किया, यहां पर देखो एक जार ले लिया है, यहां पर इन्होंने एक जार ले लिया है बेटा, और इस जार में इन्होंने क्या किया, देखो ध्यान से, अगर आप देख पा रहे हो, इसमें इन्होंने यहां पर देखो ये कॉटन लगाया, और इधर से क्या करते हैं, इसमें न्यूट्रिटिव मीडियम डालते हैं, इसमें इधर से क्या डाल रहे हैं, इसमें इधर से यहां पर न्यूट्रिटिव मीडियम डाल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, इसमें यहां पर क्या डाल रहे हैं, यहां पर ये लगा डाल रहे हैं, यहां पर न्यूट्रिटिव मीडियम, और यहां से क्या डाल रहे हैं, एयर डाल रहे हैं, यहां से क्या डाल रहे हैं, एयर डाल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। और यहां पर इन्होंने पौधा लगा दिया। अब इस जार में क्या होगा, इस न्यूट्रिटिव मीडियम को चेंज करना है, इसमें नया डालना है, क्योंकि अब ये न्यूट्रिटिव मीडियम में वो सारे एलिमेंट हैं जो सॉइल में होते हैं। और इन्होंने एक छोटा सा पौधा यहां पर, अब तुम यहां पर बरगद का पेड़ ग्रो नहीं कराओगे, एक छोटा सा पौधा ग्रो कराएंगे, है ना, तुलसी का पौधा ले लिया, एक छोटा सा पौधा ग्रो कराया। और न्यूट्रिटिव मीडियम में एक हमने देखो एरेशन ट्यूब डाल दिया, और एक हमने क्या डाल दिया, न्यूट्रिटिव मीडियम को अंदर डालने के लिए, और न्यूट्रिटिव मीडियम को बाहर निकालने के लिए एक फनल लगा दी। इस तरीके से इस प्लांट को यहां पर हम ग्रो कराते हैं, इसी को हम लोग हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट टेक्निक इज कॉल्ड हाइड्रोपोनिक्स, ध्यान से सुनेगा। अब होता क्या बेटा, जैसे अब हमने क्या किया, अब ये तो हो गया एक, जैसे कि एक प्लांट कानपुर में ग्रो हो रहा है, तो उस वहां की प्लांट उस सॉइल में कौन कौन से कंपोनेंट है, वो हमने इस न्यूट्रिटिव मीडियम में डाल दिए। अब इस न्यूट्रिटिव मीडियम से हमने सपोज करो आयरन हटा दिया, क्या हटा दिया, आयरन, आयरन को हमने एलिमिनेट कर दिया। तो आयरन एलिमिनेट कर दिया हमने न्यूट्रिटिव मीडियम से, तो अब जो काम आयरन करता होगा वो काम अब इस प्लांट में नहीं हो पाएगा, यानी कि हमें पता चल जाएगा कि आयरन की कमी से कौन सा काम नहीं हो पा रहा है ना। तो ये बात हमें पता चलेगी। इसी प्रकार से हम एक एक एलिमेंट को इस न्यूट्रिटिव मीडियम से हटा करके, उसका परसेंटेज बढ़ा करके, ये पता कर सकते हैं कि किस एलिमेंट का क्या काम है ना। ये टेक्निक है हाइड्रोपोनिक्स। अच्छा, ये तो तरीका हो गया कि किसी एलिमेंट का क्या काम है ये पता करना, किसी एलिमेंट की डिफिशियंसी से क्या होता है, एक्सेस से क्या होता है, ये पता कर सकते हैं। लेकिन आज के समय में बेटा इस हाइड्रोपोनिक्स को हम अपनी छत पे भी कर सकते हैं। अगर आप इस फिगर को देख पा रहे हो, यहां पर देख पा रहे हो बेटा, आपके एनसीईआरटी में दिया गया है कि इस हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक के थ्रू हम लिट्यूस क्या होते हैं, लिट्यूस होते हैं बेटा जो सब्जी, जो ऐसी सब्जियां जिनको हम सलाद में खाते हैं, है ना, जैसे गाजर है, मूली है, ये सब आपकी लिट्यूस में आती है। तो लिट्यूस को हम अपनी छत पे, अपनी बालकनी में इस तरीके से कुछ अरेंजमेंट बना सकते हैं। हमने देखो यहां पर क्या बना दिया, हमने यहां पर एक जार लगा दिया, इसमें न्यूट्रिटिव मीडियम डाल दिया, और यहां पर एक हमने पंप लगा दिया। अब ये पंप क्या कर रहा है, ये पंप वाटर को न्यूट्रिटिव मीडियम को पंप कर रहा है। न्यूट्रिटिव मीडियम इधर से यहां जा रहा है, और इस पाइप के थ्रू वापस कहां आ रहा है, देखो फिर से उस जार में गिर रहा है। और यहां पर हमने क्या लगा दिए, यहां पर हमने ये प्लांट्स लगा दिए, अगर आप देख पा रहे हो। अब यहां पर क्या है, ये एयर भी यहां पर बनी हुई है, यहां पर न्यूट्रिटिव मीडियम भी बह रहा है, और यहां पर लगातार वाटर की सप्लाई मिले, इसके द्वारा प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। और ये भी हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक है। तो हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक हमारा एक दूसरा अल्टरनेटिव हो सकता है, है ना, क्योंकि हम लोग ना पर ग्रह पे, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है, इसलिए हम दूसरे और भी क्या चीजें ढूंढ रहे हैं, अपने फूड के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए और भी बहुत सारी टेक्निक। जैसे हम लोग मंगल पे क्यों जा रहे हैं, हम लोग चांद पे क्यों जा रहे हैं, क्योंकि भैया हमने इतनी पॉपुलेशन अपनी कर ली है, तो हम उसका दूसरा सब्स्टिट्यूट ढूंढ रहे हैं, है ना, हम अपने फूड के,
अब इतनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी, खाना कहां से लाएं? तो इसका एक बहुत अच्छा ये तुम्हारा ये सब्स्टिट्यूट हो सकता है हाइड्रोपोनिक्स। बस इतनी सी बात यहां पर बताई गई है। ये देखो यहां पर इस तरीके से कुछ दिखाया गया, एक प्लांट यहां पर दिखाया गया, ये यहां पर ग्रो कर रहा है, यहां पर न्यूट्रिटिव मीडियम इस तरीके से मूव कर रहा है। यहां पर देखो बताया गया हाइड्रोपोनिक्स को हम कॉमर्शियली भी, ये जो तरीका है कॉमर्शियल, देखो ये वाला क्या कर रहे हैं, ये वाला कर रहे हैं हम लेबोरेटरी में, और इस तरीके से हम कॉमर्शियल लेवल पर, इस तरीके से हम कॉमर्शियल लेवल पर क्या कर सकते हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट में हम सब्जी को पैदा कर सकते हैं, लिट्यूस, है ना। जैसे यहां पर देखो बताया गया है सुटेबल फॉर द प्लांट ग्रोथ एंड ऑप्टेन इस मैटर एसेंशियल आइडेंटिफाई द डिफिशियंसी सिम्टम, इनके द्वारा हम क्या देख सकते हैं, डिफिशियंसी सिम्टम आर डिस्कवर्ड। हाइड्रोपोनिक सक्सेसफुली एम्प्लॉयड टेक्निक कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल, और इसके द्वारा अब हम और क्या कर सकते हैं, कॉमर्शियल प्रोडक्शन कर सकते हैं वेजिटेबल्स का, जैसे टमाटर है, सीडलेस कुकम्बर है, और लिट्यूस है, है ना। लिट्यूस क्या होता है बेटा, लिट्यूस जो आपके होते हैं जिन्हें हम कहते हैं, ध्यान से सुनेगा, लिट्यूस उन सब्जियों को कहते हैं जिनको हम सैलेड में खाते हैं। किस में खाते हैं, सैलेड में खाते हैं। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, समझ में आ रहा है। सारे लोग बताओ बेटा, एनी प्रॉब्लम, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम। हाँ, प्रियांशु, अखिलेश, आशुतोष, प्रजापति, सानू, ठीक है बेटा, सारे लोग बताओ एनी प्रॉब्लम, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन टेल मी इमीडिएटली। ओके, डन है, मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके बेटा, ध्यान से सुनेगा मेरी बात को, मेरी बात को ध्यान से सुनेगा। देन इसके बाद ध्यान से सुनेगा मेरी बात को। इसके बाद बेटा यहाँ पर सेकेंड पेज पे एक और टॉपिक दिया गया है, इन एलिमेंट मिनरल कि एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स, ठीक है, एसेंशियल जो मिनरल एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे हमने आपको बताया, हमने एक बात सुनो भैया, हम ये पहले तो ये देखो क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी, उसको बाद में बात करते हैं। यहां पर जो नेक्स्ट हेडिंग है 12.21 जो हेडिंग दी गई है, इसमें बताया गया क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी क्या है। हमने आपको ये बताया कि टोटल जो आपके एलिमेंट्स हैं वो हैं 102, कितने हैं वो, सॉरी 105, अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर 105 आपके इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं जो हमें पता है, ठीक है, जो हमें पता है। तो उनमें से कौन से एलिमेंट हैं जो प्लांट जिनके बगैर रह नहीं सकता, जिनके बगैर रह नहीं सकता, उसका क्राइटेरिया क्या है। जैसे हर एक आदमी का एक क्राइटेरिया, किसी को मम्मी से ज्यादा प्यार है, किसी को पापा से बहुत प्यार है, किसी को भैया से बहुत प्यार, किसी को अपने दोस्त से बहुत प्यार है, किसी को अपने कुत्ते से बहुत प्यार है, कौन किसके बिना नहीं रह सकता। आपकी अपनी अपनी सेंसिबिलिटी अलग अलग है, है ना, सबकी सबकी अपनी अपनी अलग अलग एसेंशियलिटी है ना, कौन 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 किसके लिए एसेंशियल है, कौन इसके लिए नॉन एसेंशियल है। वैसे प्लांट के लिए कौन सा एलिमेंट एसेंशियल है, कौन सा एलिमेंट नॉन एसेंशियल है, कौन सा एलिमेंट एसेंशियल है और कौन सा एलिमेंट नॉन एसेंशियल है, बात समझिएगा मेरी बात को, मेरी बात को ध्यान से सुनेगा। तो प्लांट के लिए बेसिकली जो 105 एलिमेंट्स हैं, टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, टोटल एलिमेंट्स हैं बेटा 105, 105 जो एलिमेंट है, ध्यान से मेरी बात को सुनेगा, जो 105 जो एलिमेंट है उनमें से कौन सा एलिमेंट एसेंशियल है और कौन सा एलिमेंट नॉन एसेंशियल है। तो बेटा टोटल 105 में से 17 एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, 17 एलिमेंट्स हैं जो एसेंशियलिटी में आते हैं, कितने आते हैं 17 एलिमेंट। अब वो एलिमेंट जो 17 हमने बताए वो किस बेसिस पे बताए बेटा, ये वो एलिमेंट हैं जो प्लांट की नॉर्मल ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं, किसको सपोर्ट करते हैं, नॉर्मल ग्रोथ और उसके रिप्रोडक्शन के लिए। मतलब ऐसे एलिमेंट जिसके बगैर प्लांट में ग्रोथ नहीं हो सकती और रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता। अगर ये एसेंशियल, अगर ये एलिमेंट नहीं होंगे, अगर ये 17 एलिमेंट नहीं होंगे, ऐसे एलिमेंट ध्यान से सुनेगा, जो 17 नेम हमने आपको एसेंशियल बताए हैं वो किस बेसिस के बताए हैं, इन 17 एलिमेंट्स के बगैर बेटा ध्यान से सुनेगा, इन 17 एलिमेंट्स के बगैर प्लांट सर्वाइव नहीं कर सकता, सर्वाइव नहीं कर पाएगा भाई साहब। क्या कह रहा, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि साहब ग्रोथ नहीं होगी, रिप्रोडक्शन नहीं होगा। भैया रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो भैया प्रोजनी नहीं बनेगा, प्रोजनी नहीं बनेगा तो कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीसीज नहीं होगी। बायोलॉजिकल प्रोसेस, रिप्रोडक्शन इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस, है ना, इसके बगैर कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीसीज हो ही नहीं सकती, है ना। रिप्रोडक्शन नॉन एजा में फर्स्ट चैप्टर में आपने थर्ड पेज पे पढ़ा था, है ना। तो सुनो भैया क्या कह रहा कि ऐसे एलिमेंट जो प्लांट की ग्रोथ मेरे बच्चों, जो प्लांट की ग्रोथ और प्लांट के रिप्रोडक्शन की, प्लांट में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जिनके बगैर नहीं हो सकता, वो एसेंशियल एलिमेंट है। इसके अलावा दूसरा क्राइटेरिया, दूसरा देखा कह रहा, अब्सेंस ऑफ एलिमेंट प्लांट डू नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल और सेट द सीड। इनकी अब्सेंस में प्लांट में सीड नहीं बनेगा। अरे यार, सीड किसका प्रोडक्ट है, रिप्रोडक्शन का। जब रिप्रोडक्शन होता है, आपने पढ़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पढ़ा है भैया सेकंड चैप्टर, है ना, वहां पर बताया था मैंने आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में। अपने चचा पढ़ा है, क्या पढ़ा है चचा आपने, ये पढ़ा है भाई लोगों, आपने ये पढ़ा है भाई लोगों कि सीड इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन।
सीड इज द फर्टिलाइज, सीड इज फर्टिलाइज ओव्यूल। हाँ, ये लाइन एनसीईआरटी की, सीड इज फर्टिलाइज ओव्यूल, है ना। तो अगर ऐसे एलिमेंट जो रिप्रोडक्शन ही नहीं होने दे रहे हैं तो सीड नहीं बनेगा। तो ऐसे एलिमेंट किसमें आ जाएंगे? एसेंशियलिटी में। पहला एसेंशियलिटी का पहला, प्लांट के लिए वो एलिमेंट जो एसेंशियल है उसका एसेंशियलिटी का ये पहला क्राइटेरिया हो गया। ये पहला क्राइटेरिया, बच्चों लो मेरी बात सुनेगा। दूसरा कह रहा है रिक्वायरमेंट ऑफ एलिमेंट स्पेसिफिकली टू द रेप्लीकेबल बाई अनदर एलिमेंट। कह रहा कि दूसरी चीज सुनो मेरी बात, देखो तुम्हारी लाइफ में ध्यान से सुनेगा, तुम्हारी लाइफ में तुम्हारे मम्मी पापा का कोई सब्स्टिट्यूट है? बताओ चैट बॉक्स में, प्लीज टेल मी। क्या मम्मी पापा का कोई सब्स्टिट्यूट है? हाँ, यस, हरिओम तिवारी का सब्स्टिट्यूट हो सकता है। बायोलॉजी पढ़ाते हैं, दुनिया में बहुत सारे बायोलॉजी पढ़ाते हैं, है ना। लेकिन क्या, तो मेरा सब्स्टिट्यूट हो सकता है, लेकिन क्या मम्मी पापा का कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट हो सकता है? बोलो भाई, आंसर दो, बोलो यस और नो। आप बताओ जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूं। क्या मम्मी पापा का कोई सब्स्टिट्यूट हो सकता है? मतलब अगर मम्मी पापा की जगह कोई दूसरा ले सकता है, या तुम्हारे भाई की कोई जगह ले सकता है? नहीं ले सकता। तुम्हारी बहन की कोई जगह ले सकता है तुम्हारी लाइफ में? नहीं ले सकता ना। बोलो भाई, गलत करें सही करें? नो। बोलो भैया, जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में, जल्दी से बताओ भैया, क्या तुम्हारी लाइफ में मम्मी पापा की कोई जगह ले सकता है? नहीं ले सकता ना। वैसे ही बेटा, ऐसे एलिमेंट जिनके बगैर, जिनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, कह रहा रिक्वायरमेंट ऑफ एलिमेंट मस्ट बी द स्पेसिफिक नॉट रिप्लेसेबल बाई अनदर एलिमेंट। ऐसे एलिमेंट बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसे एलिमेंट मेरे लाभ बच्चा लोगों, ऐसे एलिमेंट जिनको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, जिनको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है, जिनकी फंक्शनिंग को, मतलब जैसे आयरन की कमी है तो मैग्नीज दे दो, काम चल जाएगा क्या? अगर काम चल जा रहा है तो फिर वो आयरन इसेंशियल नहीं है। मतलब बायोलॉजी तुम पढ़ते हो हरिओम तिवारी से, अब इसके अलावा किसी दूसरे टीचर से पढ़ने लगो तो उससे पढ़ सकते हो, यानी कि आई एम रिप्लेसेबल बट मदर एंड फादर इज नॉट रिप्लेसेबल, है ना। तो वैसे ही बेटा, ऐसे एलिमेंट जिनके बगैर प्लांट, जिनका प्लांट के पास कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है, नॉट रिप्लेसेबल अनदर एलिमेंट, एंड अदर वर्ड डिफिशियंसी ऑफ एनी वन एलिमेंट कैन नॉट बी सप्लाइंग सम अदर एलिमेंट। तीसरा क्राइटेरिया क्या है? ये जो एलिमेंट इसेंशियल होते हैं मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट। और ये जैसे ना, तुम कहीं जा रहे हो तो मम्मी पूछेंगे कहाँ जा रहे हो भैया, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है तुम्हारी जिंदगी में। तो ये एलिमेंट किसी भी मेटाबॉलिक मैकेनिज्म में डायरेक्ट इन्वॉल्व करते हैं, समझ लो ना, डायरेक्ट, इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली इन्वॉल्व करेंगे ना। पापा को तुमने गलत किया तो देंगे थप्पड़, घुमाक नहीं पूछेंगे, एकदम घुमाक देंगे तुम्हारे कान पे, है कि नहीं। तो वही चीज यहां बता रहा बेटा, ध्यान से सुनेगा। तो ये इन तीन क्राइटेरिया में जो एलिमेंट फिट बैठता है, ध्यान से सुनेगा, इन तीनों क्राइटेरिया में जो एलिमेंट फिट बैठता है, सुनी बेटा, प्रियांशु बेटा, नेहा धर्मेंद्र, ध्यान से सुनेगा भैया, ध्यान से सुनेगा, इन तीन क्राइटेरिया में जो एलिमेंट फिट बैठता है मेरे लल्ला, उसे हम कहते हैं एसेंशियल एलिमेंट। वो कौन से हैं? एसेंशियल एलिमेंट। और बेटा, हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक के थ्रू हमें पता चला है 105 में से 105 में से कितने 105 में से इस क्राइटेरिया पे 105 एलिमेंट कितने बताया मैंने? एलिमेंट मैंने नहीं बताया, देखो इस चैप्टर में आपकी एनसीईआरटी बता रही है, आपकी एनसीईआरटी क्या बता रही है? आपकी एनसीईआरटी बता रही है टोटल जो आपके एलिमेंट है 10 कितने 5 डिस्कवर्ड हैं, है ना। उनमें से कितने एसेंशियल हैं? 17। 105 में से डिस्कवर्ड जो हैं उनमें से एसेंशियलिटी किस में आती है? 17 में आती है। क्लियर है? अब लेकिन एक चीज और समझो, कुछ एलिमेंट होते हैं जैसे जो जहां पाया जाता है, कुछ एलिमेंट स्पेसिफिक एरिया में पाए जाते हैं। जैसे अब कहीं पर सपोज करो बेटा कहीं पर अगर ध्यान से सुनेगा, कहीं पर अगर ऐसा है कि कहीं पर तुम्हारा न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा है तो उस पर्टिकुलर एरिया में रेडिएशन पाया जाएगा, है ना। या कहीं पर बेटा सोने की खदान है तो वहां पर मिट्टी में सोना गोल्ड ज्यादा पाया जाएगा, है ना। तो उस पर्टिकुलर एरिया के प्लांट्स में वो एलिमेंट पाया जाएगा, है ना। तो इसका मतलब कुछ ऐसे एक्सेप्शंस भी हैं, तो मतलब केवल आप मत समझना कि एसेंशियलिटी में तो केवल 17 थे तो ये एक्सेप्शन कैसे आ गया। तो वही चीज यहां पर बता रहा है, कह रहा सम प्लांट स्पीसीज एक्युमुलेट द सेलेनियम एंड अदर गोल्ड व्हाइल द सम प्लांट ग्रोइंग इन द नियर आर द
टेस्ट सीरीज टेकिंग द रेडियो एक्टिव स्ट्रॉन्सियम, है ना, ये लाइन इस वजह से लिख रहा है, कह रहा है कि ये जो हैं कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर हैबिटेट में पाए जा रहे हैं, उनमें कुछ एलिमेंट अलग से भी पाए जा सकते हैं। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। लेकिन अब यहां पर एक बात और सुनेगा, हमारे पास जो बेटा टेक्निक है, हमारे पास जो टेक्निक है अगर 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 हमारे प्लांट के अंदर कितना 10^-8 ग्राम पर ml, 10^-8 ग्राम पर ml से भी अगर कम होगा अगर कोई मॉलिक्यूल हमारे किसी सॉल्यूशन में, तो इससे कम की कैपेबिलिटी हमारी मेजर करने की नहीं है। मतलब हमारी एक औकात है हर चीज की, नहीं कि मतलब हमारी बुलेट ट्रेन 500 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चलेगी, इससे ऊपर नहीं चलेगी। वैसे ही हमारी एक कह सकते हैं बाउंड्री लाइन है कि अगर किसी सॉल्यूशन में किसी कंपोनेंट का कितना कंसंट्रेशन है, अगर उससे कम है तो उस कंसंट्रेशन को हम देख नहीं सकते, उसको हम मेजर नहीं कर सकते। ये बात यहां पर बताई गई है। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड स्ट्रॉन्शियम मेंशन एवं द अर्ली नेसेसरी फॉर द प्लांट, हाउ डू बी डिसाइडेड एसेंशियली फॉर द प्लांट एंड वॉट इज टू, कह रहा कि बहुत सारे एलिमेंट हैं जो प्लांट में पाए जाते हैं, तो इनको कैसे तुम डिसाइड करोगे कौन से एसेंशियल हैं कौन से नॉन एसेंशियल हैं, तो उसका क्राइटेरिया कितना हो गया, 3 हो गया। 105 में से 17 एसेंशियल कैसे निकले, ये 17 लोग किन किन कसौटी पर खड़े उतरे हैं, ये प्लांट के ग्रोथ में रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, इनके बगैर रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता, इनके काम को कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता, और तीसरा ये डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस में। तो टोटल एसेंशियल एलिमेंट जो यहां पर समझ में आते हैं, 105 में से जो टोटल एसेंशियल एलिमेंट हमारे सामने निकल के आते हैं, वो टोटल एसेंशियल एलिमेंट कितने हैं बेटा, 17 है, 17 एसेंशियल एलिमेंट यहां पर बताए गए हैं। बोलो बात समझ में आया या नहीं आया, क्लियर है, बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया, डन डना डन डन, बोलो भैया डन है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो बोलो मेरे लल्ला, अगर नहीं प्रॉब्लम है तो मैं आगे बढ़ूं। अब सुनो बेटा, जैसे हमारी क्लास में जितने भी बच्चे हैं, उन बच्चों को अगर मैं क्लासिफाई करना चाहूं, तो बताओ क्लासिफाई करने के बहुत सारे क्राइटेरिया हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। जैसे मैं हाइट के बेसिस पे बोल दूं, मैंने कहूं बेटा कि जो 6 फीट हाइट के हैं वो एक तरफ जाएं, जो 6 फीट से कम के हैं वो एक तरफ जाएं, है ना, या फिर मैं कहूं आई कलर पे, जिनकी ब्लैक आईज हैं वो एक तरफ जाएं, जिनकी ब्लू आईज हैं वो एक तरफ चले जाएं, है ना, है ना, या फिर मैं कह सकता हूँ किसके बेसिस पर, बॉडी वेट के बेसिस पर, बहुत सारे क्राइटेरिया हो सकते हैं, मार्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं जिसके बेसिस पर मैं तुम्हें क्लासिफाई कर सकता हूँ। यहाँ पर बेटा जो हमने पता किया है हाइड्रोपोनिक्स के द्वारा कि प्लांट को 105 में से केवल 17 एलिमेंट ही एसेंशियल हैं, एसेंशियलिटी का क्या क्राइटेरिया है वो मैंने आपको बता दिया। अब बात ध्यान से बात सुनना, वो 17 एलिमेंट्स में थे को यहां पर क्लासिफाई किया गया है दो प्रकार से, कितने प्रकार से, दो प्रकार से। पहला क्लासिफिकेशन जो यहां पर बताया गया है वो बताया गया है बेटा क्वांटिटेटिव, कौन सा बताया गया, क्वांटिटेटिव। अगर हम अब देखो मैं 17 एलिमेंट की बात कर रहा हूं, इन 17 एलिमेंट्स को क्वांटिटी के बेसिस पर, कौन सा एलिमेंट प्लांट को ज्यादा चाहिए, कौन सा एलिमेंट प्लांट को कम चाहिए, कौन सा एलिमेंट प्लांट को ज्यादा चाहिए, कौन सा एलिमेंट प्लांट को कम चाहिए, इसे बोलते हैं हम लोग क्वांटिटेटिव। एक होता है क्वालिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिव। तो क्वांटिटी के बेसिस पर इन 17 एलिमेंट्स को डिवाइड किया गया दो कैटेगरी में, एक होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट और एक होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट, क्लियर है, ये क्वांटिटेटिव है। ये कैसा है, ये क्वांटिटेटिव है, कैसा है बेटा, क्वांटिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव को जो है हमारा, ध्यान से सुनेगा, क्वांटिटी के बेसिस पर कितने टाइप के हो गए, दो टाइप के। तो यहां पर देखो क्वांटिटेटिव के बेसिस पर अगर हम बात कर रहे हैं तो बेटा दो प्रकार का है, क्वांटिटी के बेसिस पर दो प्रकार का है। पहला है मैक्रोन्यूट्रिएंट, बेटा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हम उन्हें कहते हैं जो हमारे प्लांट को एक्सिस में चाहिए, 10 mmol/kg ऑफ ड्राई वेट, ड्राई वेट का 10 mmol/kg में से ज्यादा चाहिए, वो कौन है, वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। वो कौन से एलिमेंट है, मैक्रो, और जो इससे कम चाहिए वो क्या है, वो माइक्रो हैं, क्लियर है। तो बेटा यहां पर जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, कौन, पी के मक से कापी इसकी टेक्निक बताई थी, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फास्फोरस सल्फर पोटेशियम कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, क्लियर है, ये आपके कौन से एलिमेंट हो गए, ये मैक्रो एलिमेंट है और इनके बगैर प्लांट सर्वाइव नहीं कर सकता है, ठीक है। ये रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं, डायरेक्टली मेटाबॉलिज्म में इंटरफेयर कर रहे हैं, लेकिन ये प्लांट को क्वांटिटी में ज्यादा चाहिए, क्वांटिटी में ये ज्यादा चाहिए, और जो क्वांटिटी में कम चाहिए, इसेंशियल
क्रूशियल हैं लेकिन क्वांटिटी में वो कम चाहिए। कितनी क्वांटिटी? लेस देन 10 मिलीमोलर से कम चाहिए, लेकिन इनके बगैर भी काम नहीं चलने वाला। मम्मी ज्यादा समय साथ में रहती हैं, पापा कम समय साथ में रहते हैं क्योंकि पापा बाहर रहते हैं, तो इसका मतलब ये तो ना कि पापा इसेंशियल नहीं है। हाँ, मम्मी ज्यादा अमाउंट में चाहिए, पापा थोड़े अमाउंट में चाहिए, है कि नहीं? वही वाली बात है यहां पर। तो कह रहा माइक्रोन्यूट्रिएंट जो होते हैं, उनमें तुम्हारा कौन है? आयरन है, मैग्नीज है, कॉपर है, मॉलिब्डेनम है, जिंक है, बोरान है, क्लोरीन है और निकेल है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कितने एलिमेंट हो गए? 17 एलिमेंट्स मिलते हैं जो एसेंशियलिटी के क्राइटेरिया में खरा उतरते हैं। और ये हमने पता कैसे किया है? सृष्टि सहाय बेटा, नेहा बेटा, आशुतोष बेटा, प्रिंस भैया, प्रियांशु भैया, आशुतोष, अभिषेक यादव बेटा, ध्यान से सुनेगा नेहा बेटा, ये हमने डिसाइड कैसे किया है? हमने एसेंशियलिटी का क्राइटेरिया किस में रखा? हाइड्रोपोनिक्स के द्वारा हमने ये चीज पता की है। क्लियर है? अब ये पहला क्लासिफिकेशन हो गया, ध्यान से सुनेगा। अब इस पहले क्लासिफिकेशन के बाद यहां पर बेटा ध्यान से सुनेगा, यहां पर बताया गया है ये जो आपके 17 एलिमेंट हैं, ध्यान से सुनेगा, इन जो 17 एलिमेंट यहां पर बताए गए हैं, 17 एलिमेंट, इनके अलावा कुछ और भी एलिमेंट्स हैं, कुछ और भी एलिमेंट हैं जो प्लांट को चाहिए। सम बेनिफिशियल एलिमेंट और भी हैं, कुछ सम बेनिफिशियल एलिमेंट और भी हैं। सोडियम सिलिकॉन कोबाल्ट सेलेनियम, कौन कौन से हैं? सोडियम सिलिकॉन कोबाल्ट सेलेनियम, फिर से बोलो बेटा, सोडियम सिलिकॉन कोबाल्ट सेलेनियम, फिर से बोलो, सोडियम सिलिकॉन कोबाल्ट सेलेनियम, फिर से बोलो, सोडियम सिलिकॉन कोबाल्ट सेलेनियम, फिर से बोलो, सोडियम कौन कौन सा है? पहला है सोडियम, दूसरा है सिलिकॉन, तीसरा है कोबाल्ट और चौथा है सेलेनियम। कितने कंपोनेंट हो गए? 4। ये 4 कंपोनेंट हैं जो एसेंशियल एलिमेंट, जो वो 17 हैं, वो 17 जो एसेंशियल एलिमेंट है उनके अलावा ये और 4 एलिमेंट हैं जो प्लांट के लिए क्या है? बेनिफिशियल है। बोलो और कौन से? हायर प्लांट के लिए, रिक्वायर बाय द हायर प्लांट। ये बात यहां पर एडिशनली ये बताई गई है, अंडरलाइन कर लीजिए। इसके बाद बेटा, इसके बाद देखो, ये एक क्लासिफिकेशन हो गया। अब दूसरा क्लासिफिकेशन 17 एलिमेंट्स का, ये तो हो गया कौन ज्यादा चाहिए और कौन कम चाहिए, कौन ज्यादा चाहिए 17 एलिमेंट्स में से, कौन कम चाहिए। इसके बेसिस पर एलिमेंट कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के, मैक्रो एंड माइक्रो। कौन कौन से हुए? मैक्रो एंड माइक्रो। वो एसेंशियल एलिमेंट जो चाहिए बेटा 10 मिलीमोलर केजी इनवर्स ड्राई वेट से ज्यादा, उसे बोलते हैं मैक्रो। और जो इससे कम चाहिए, 10 मिलीमोलर केजी इनवर्स ड्राई वेट से कम चाहिए, उनको कहते हैं माइक्रो। क्लियर है सर? बोलो बात समझ में आई कि नहीं? ये क्वांटिटी के बेसिस पे हुआ। देखो ना, मैंने बताया ना, केवल इतना अंडरलाइन किया, क्वांटिटेटिव। कौन सा है बेटा? ये क्वांटिटेटिव है। अब अगर हम बात करते हैं, ध्यान से सुनेगा, अब अगर कान खोल के मेरी बात सुनेगा, ध्यान से मेरी बात सुनेगा, मैं क्या कह रहा हूं बच्चा लोगों, कहीं मत जाइएगा, ध्यान से सुनेगा। अब हम बात करने जा रहे हैं एसेंशियल एलिमेंट का उनके फंक्शन के बेसिस। मैंने कहा ना आपको, क्लासिफाई करूं हाइट पे, करूं वेट पे, करूं आई कलर पे, करूं किसी बेसिस पर, बहुत सारे बेसिस हो सकते हैं किसी चीज को क्लासिफाई करने के लिए। वैसे ही यहां पर 17 एसेंशियल एलिमेंट को पहला क्लासिफिकेशन दिया गया है उसके क्वांटिटी के बेसिस पर, और दूसरा दिया गया है देयर डाइवर्स फंक्शन, उनके डाइवर्स फंक्शन के बेसिस पर। तो इन 17 एलिमेंट को उनके फंक्शन के बेसिस पर 4 कैटेगरी, 4 फंक्शंस में डिवाइड किया गया। कितने फंक्शंस में? 4। 4 मेजर फंक्शंस उनके बताए गए हैं, वो 4 मेजर फंक्शन। सृष्टि, 2 टाइप ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो, वेरी गुड सृष्टि साहब, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। नेहा, अभिषेक, वेरी गुड, कीप इट अप, सारे बच्चा लोग कीप इट अप, वेरी गुड बेटा। जल्दी से एक काम और करो, जिस लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें चैनल को बिल्कुल तुरंत से बेटा, एकदम से क्या करो, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे थोड़ा सा शेयर कर दो यार, मदद कर दो, है ना, थोड़ा सा सब्सक्राइबर बढ़ा दो, है कि नहीं? बार में मुझे कहना भी पड़ेगा, क्यों भाई, है ना, नहीं कहना पड़ेगा ना? बोलो भैया, सृष्टि सानु, सृष्टि आसी, अश्विनी, नेहा, बोलो भैया, सानू खान, बोलो भैया, सारे लोग बताओ, आशुतोष, शिवम दीक्षित, बोलो अल्तमस भाई, है ना। तो थोड़ा काम करो, डेली का डेली थोड़ा सा फेसबुक व्हाट्सएप पे लगा दिया करो स्टेटस भैया, है ना, थोड़ा सा अपना चैनल का नंबर बढ़ जाए, थोड़ा अच्छा लगेगा, है ना, थोड़ा सा फिर एनर्जी काम करने भी मदद मिलती है। नहीं, चलो अब मेरी बात सुनो, चलो ठीक है, कीप इट अप, अब मेरी बात सुनो। तो एसेंशियल एलिमेंट को फंक्शन के बेसिस पर अगर डिवाइड करेंगे तो उन 17 में से कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट है। कैसे एलिमेंट है? कुछ 17 में से कुछ एलिमेंट है जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट है।
अब 17 में से जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट है उनको इस ग्रुप में रख देंगे। अब उसमें जैसे कौन है, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये स्ट्रक्चरल एलिमेंट है। तो जो स्ट्रक्चरल पार्ट बना रहे हैं तो 17 में से कुछ किस में आ जाएंगे, स्ट्रक्चरल में आ जाएंगे। अब सुनो, अब तुमको और दूसरा क्राइटेरिया फंक्शन के बेसिस पर, दूसरा फैक्टेरिया बेटा, कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं कंपोनेंट एनर्जी फॉर रिलेटेड केमिकल कंपोनेंट, यानी कि हमारे प्लांट्स में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो होती है उसको बनाने में मदद करते हैं। जैसे एटीपी बनाने में, एटीपी बनाने में कौन यूज होता है तुम्हारा, फास्फोरस है ना। मैग्नीशियम किसमें बनाता है, मैग्नीशियम किसे बनाता है, क्लोरोफिल। आप कहोगे क्लोरोफिल का एनर्जी से क्या लेना देना, बेटा क्लोरोफिल नहीं होगा तो भैया क्या नहीं होगा, क्लोरोफिल अगर नहीं होगा, ध्यान से सुनो, अगर क्लोरोफिल नहीं होगा लल्ला, अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा तो स्टार्च नहीं बनेगा, ग्लूकोज नहीं बनेगा, तो भैया प्लांट सर्वाइव कैसे करेगा, प्लांट नहीं होगा तो हम नहीं होंगे, है ना। एटीपी क्या है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना, हमने बहुत बार स्ट्रक्चर आपको क्लासरूम में बताया। तीसरा बेटा, तीसरा आप सारे लोग जानते हो, जब आपने बायोमोलिक्यूल पढ़ा है तो उसमें आपने पढ़ा है एंजाइम के, एंजाइम में आपने पढ़े थे दो पार्ट होते हैं, प्रोटीनियस पार्ट होता है और एडिशनल आपके जो कोफैक्टर्स होते हैं, है ना, कोफैक्टर्स आपके तीन प्रकार के। तो बेटा एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए देखो ना, एक्टिवेट और इनबिट द एंजाइम, एक्टिव